नूरपुर के बागनी में स्थित डीएवी स्कूल के 16 ड्राइवर लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये 16 स्कूल बस के ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर स्कूल के सामने 4 दिन से एक खाली दुकान के अंदर लगातार दिन रात बैठे हुए हैं। इनको अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है कि परिवार का पालन पोषण कैसे करें। आज इन 16 ड्राइवर के समर्थन में भारतीय मजदूर संघ की जनरल सेक्रेटरी मधु शर्मा भी इनके हक की लड़ाई के लिए उनसे कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हो गई है। इनमें से कुछ ड्राइवर के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल बस ड्राइवर ने बताया कि जब भी अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा करवाने और उनका रिजल्ट लेने के लिए गए तो टीचर ने बोला कि आपके बच्चों की फीस लेने के लिए प्रिंसिपल ने बिल्कुल मना कर दिया है और रिजल्ट भी नहीं दिया जाएगा। जब हम मैडम जी के पास गए थे तो जो इंचार्ज है नीचे बिल्डिंग की अनीता मैडम, उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल के साहब है पास है उनके पास है रिजल्ट और जो फीस देंगे तो रिजल्ट देंगे। ऐसे तो सरकार शिक्षा का ढिंढोरा पीटती है पर यहाँ तो स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ की जनरल सेक्रेटरी मधु शर्मा ने बताया कि वे आज इन 16 ड्राइवरों के साथ मिली और इन्होंने सारी बात से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि इनके साथ न्याय हो। ये डीवी सीएमसी का मामला है। जो इस स्कूल के हेड हैं वे स्कूल आए थे परंतु स्कूल के प्रिंसिपल मस्तराम राणा ने इनकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। सबसे पहले है मधु शर्मा और मैं डीएवी स्कूल पालमपुर से रिटायर हुई हूं 2016 में और वहां के प्रिंसिपल जो है वो वीके यादव जी हैं। तो आज मैं भारतीय मजदूर संघ में जनरल सेक्रेटरी शिक्षक वर्ग की हूँ। तो मैं आज इनके साथ देने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे घर में थोड़ा ज़रूरी काम था तो आज मैं टाइम निकाल के इन बच्चों के साथ मिलने आई हूँ। तो इन्होंने मुझे अपने स्कूल के सारी चीज़ों से अवगत कराया है तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मेरी आपसे यही निवेदन है कि ये जो बच्चे हैं इनका जो चल रहा है और लेबर कोर्ट में सारा चल रहा है इनको लेबर कोर्ट की तरफ से भी कोई लेबर इंस्पेक्टर साहब की तरफ से भी कोई अभी इतना रिस्पांस नहीं आ रहा। तो मैं चाहती हूँ कि इनके साथ न्याय हो कि ये डीएवी सीएमसी का मामला है। तो यहाँ सोफत मैडम आई थी और यादव साहब आए थे, मैनेजर साहब आए थे और तीसरा चौथे और आए थे सी के महाजन साहब आए थे जो इस स्कूल के हेड हैं, ठीक है ना जी। तो चौधरी साहब जो हैं वो मैनेजर साहब हैं, सोफत मैडम हमारी सारी जगह की मैनेजर हैं और सी के महाजन जी जो हैं ये यहाँ के हेड हैं और यादव साहब चेयरमैन हैं और यादव साहब भी आए थे लेकिन मस्तराम राणा जी जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के उन्होंने इनकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। कोई भी बात उनको बिल्कुल साफ और वो भी इनसे नाराज होकर अपने अपने चले गए हैं। तो अब मेरी डीएवी सीएमसी से यही डिमांड है कि आए हमारे बच्चों को देखें। मैं नहीं क्योंकि राणा साहब ने ये बोला है प्रिंसिपल साहब ने कि हम हर साल निकालते हैं और रखते हैं और इनको रेगुलर कैसे करते हैं। मेरी डीएवी सीएमसी जो दिल्ली में बैठी हुई है सारी मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इनका सारा जो ऑफिस का है उसको सील करके अपने पास रखें और हमारे साथ न्याय करें कि कब कौन रेगुलर होता है। और जैसे मैंने सुना है कि प्रिंसिपल साहब हैं उनके बेटे जो हैं वो यहाँ 1.5 साल से 11 या 12 से जब से भी काम कर रहे हैं उनकी 35,000 सैलरी है जबकि मैं भी कर रही थी डीएवी में। तो इन चीज़ों का मुझे सारा पता है। मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आए और बैठे और सारी हमारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनसे पूछने की। ये अपना पूरा अपना रिकॉर्ड मांगे इनसे। जो मैडम सोफत आई थी इनके पास आई थी और हमारे वर्कर्स के साथ प्रधान जी के साथ जनरल सेक्रेटरी के साथ बात हुई थी लेकिन मस्तराम राणा जी हैं वो किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझ रहे हैं। डीएवी पालमपुर से वीके यादव जी आए थे उनकी भी नहीं सुने, मैनेजर साहब आए थे उनकी भी नहीं सुने। सिर्फ या इनका राज चलता है राणा जी का स्कूल में या मैनेजर साहब हैं चौधरी जी जो हैं उनका, बाकी इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई आज सारे आके बैठे और इन 15-16 जो लोग हैं बैठे हुए हैं अपने स्कूल के बाहर उनके साथ न्याय करें। डीएवी सीएमसी से यही मांग है कि वे इन 16 ड्राइवरों की स्थिति को देखे और ऑफिस का सारा रिकॉर्ड जब्त कर जांच की जाए ताकि इन ड्राइवरों को न्याय मिल सके।